लो बच्चों, हरियाणा टूर का 28 मंजिल का सफर में आज हम पहुंच गए हरियाणा के पिंक सिटी फतियाबाद में। रात को जिस रेस्ट हाउस पे रुके थे वहाँ मच्छर तो नहीं थे, पर पता नहीं क्या आइटम था। रात को कुछ ना कुछ लड़ता रहा, सारे खास होती रही। सुबह उठ के पता चलता है खटमल थे। रेस्ट हाउस वाले भाइयों का बार बार धन्यवाद करता हूँ, एक नई आइटम की जानकारी दे दी थी। कितनी उम्र जाली, हमने आज तक खटमला का ही नहीं बेरा था। नहा धो के थोड़े जल्दी निकल गए थे रेस्ट हाउस से। मैं चाल लोग आए थे शाही वाला ब्रेकफास्ट कराऊंगा, मैंने भाइयों से पूछ लिया था मैं फतियाबाद में के फेमस है। भाइयों ने बता दिया था लुड़िंदा राम की कचोरी छोले मशहूर है। पूछते ताजते पहुंच जाते हम लोग लुड़िंदा राम भाई की दुकान पे। पूरी मेरे कचोरी में क्या फर्क है? बोल देते हैं कोई, इसमें कचौड़ी दाल भरी होती है ना इसमें। अच्छा, दाल भरी होती है इसलिए कचौड़ी है। और भाइयों, सारा हरियाणा का टूर कर लिया, लगभग 30-35 जगह पर हमने पूरी कचौड़ी खाली, पर आज तक हमने तो फर्क नहीं पता चला। भाई थमने बेरा हो तो जरूर बता दियो। लुड़िंदा राम भाई जी ने जमा प्लेन छोले बना रखे थे, ऊपर नून मिर्च नींबू गेर के भी बड़े चटपटे से तैयार हो गए थे। उसके बाद साथ में दे दी थी कचौड़ी थी या पूरी थी, दोनों लगा के बड़ी करारी सी थी, ज्ञान सा रहा था खाने में। ये ब्रेकफास्ट करके हम लोग आगे निकलते हैं, मिल जाता है एक बहुत ही प्यारा फ्लोर पे, उसकी पीठ आगे खट्टा गिर फोल्डिंग आगे दुकान थी। भाई ने पकड़ के बैठा लिया, बोला भाई साहब आ जाओ, कॉफी पी के जानी पड़ेगी। बैठ जाते हैं भाई के पास, लोग आई नहीं, भाई के पीढ़े बहुत पसंद आते हैं। बोला जाडा जाडा पीढ़ा, बैठ के चूल्हा पर रोटी पका करूंगी, बैठ के देखते बोला बेली कौन सा बड़ा ऊंचा बना के दो। भाई ऊंचा करने के लिए सैंपल बना के देता है, निवार पे बिठा के देखता है जहां सेटिंग बनती है वहां का नाप ले लेता है। इससे भाई की वेल्डिंग की फैक्ट्री थी, बोला जी कारीगर जा रहे हैं छुट्टी, आते हैं आपका बनवा के दे दूंगा, एक दो दिन लगे मां कोई बात ना, भी हमने कोई जल्दी को नहीं, आराम से बना के दे दिया। भाई ने कॉफी मंगवा ली, बिल्कुल सुती जालिम कॉफी थी। कॉफी का एंजॉय लेने के बाद भाई को बार बार धन्यवाद देते, फिर इसी भाई से पूछते मखा भाई साहब क्या क्या आइटम देखने का फतियाबाद में बता दो जरा हमने। भाई ने बता दिया बोला इसी रोड पर थोड़ा आगे चले जाओ, 250 साल पुराने मंदिर है, दो तीन वहां जरूर मत्था टेक के ना, निकल लेते उसी रास्ते पे। जो हमारा इतना पुराना है 1777, इतना पुराना है। अच्छा जी, पहुंच गए थे हम लोग फतियाबाद के 250 साल पुराने मंदिर में। यहाँ पे लिखा हुआ था कृपया थप्पा यहाँ पे लगाए, मखा लुगाई लगा दे थप्पा, बोला खाली हाथ का के लाओ मखा लखरा, क्या अगला निकमिन की बात होगी, जरूर लगा रहा थप्पा। यहाँ दीवार पे थप्पा लगाने के बाद हम लोग सीढ़ियों से नीचे उतर जाते हैं, पहुंच जाते हैं प्राचीन मंदिरों की श्रृंखला में। सबसे पहले पहुंच जाते हैं राधा कृष्ण के मंदिर में, बहुत ही प्यारी प्रतिमा बना रखी थी, आंख हटाने का जी नहीं कर रहा था, ऐसा मन कर रहा था दर्शन करते जाए करते जाए। फिर यहाँ मत्था टेक के पहुंच जाते हैं बजरंग बली जी के मंदिर में। इसके आगे हम लोग जाके जी भगवान भोलेनाथ के आगे मत्था टेकते हैं, माता दुर्गा के आगे मत्था टेकते हैं, फिर निकल लेते एक पार्क था यहाँ पे, साथ में किला बताया जा रहा था, वहां पहुंच जाते हैं। और पार्क में बालक बीती डंडा खेलने लाग रहे थे, मेरे भीतर का भी बालक जाग जाता है। मखा लुगाई को पकड़, मेरे लत्ते कपड़े ने मैंने खेल के आने दे। लुगाई ने बोली तू रुक जा, पहले मैं खेलूंगी। फिर थमने तो बेरा नाथ अपना तो है नहीं, पहले लुगाई ने ट्राई मार दी, बाकी इस पे किसे टोरे मारे जाते, आ जाता है मेरा नंबर भी मार के देखता हूँ, टोरे मैं भी जमा भूल ले रहा था, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर जाके बात बनेगी। हमारा बीती डंडा का एंजॉय लेने लग रहे थे, इतने पहुंच जाता है प्रेम भाई का प्यारा परिवार, आज के टूर का लोकल गाइड हमारा यही परिवार बनने वाला है। फतियाबाद वाले भैया ने भैया छोटा पार्क एक नंबर का बना रखा था, हर तरह की फैसिलिटी थी, जिम के इक्विपमेंट लगा रखे थे, बालक बच्चा ने झूलने खातर झूले लगा रखे थे, आते बालक ने भी झूलने की जिद करी, साथ में लुगाइया ने भी झूलने की जिद करी, मां भाई सारे मन जाओ पहले अपने शौक काट लो फिर चलेंगे आगे घुमाई फिराई पे। तो आ जाओ अंग्रेजी वाला कौन है, इसकी हिंदी तो करो, कहा है मैडम अंग्रेजी वाली, आ जाओ जी आ जाओ, बताओ क्या बता रखा है। अच्छा, अब प्रेम भाई हमारे को लेके पहुंच जाते हैं फिरोज शाह का महल दिखाने के लिए। महल तो काफी हद तक कट लिया था, यहाँ पे सिर्फ एक लाट बच गई थी, बिलाजी पुराने टाइम पे यहाँ महल होता था, वो महल धीरे धीरे खत्म होता चला गया, अब ये लाट है ये देख लो। लाट के साथ लगे बोर्ड पे लिख रखा था जी फिरोज शाह, इसको अग्रवा से यहाँ 80 से लेके आया था अपने प्रिय पुत्र की याद में। लाट को देखते देखते हम लोग आगे बढ़ रहे थे, मिल जाती है एक मजार पीर बाबा की, यहाँ पे हर वीरवार को भंडारा लगता है। वो कील के इस जाड़ को इसमें कील लगा देते थे, अच्छा जाड़ ठीक हो जाती, हाँ, जाड़ ठीक हो जाती थी, कभी दर्द नहीं होती थी। नमक नमक चढ़ा रखा है किस चक्कर में? हाँ जी, ये चढ़ाते हैं नमक, इससे क्या होता है, ये पीर की जो अपनी अरदास लगा के जाते हैं या मन्नत मांगते हैं, जब पूरी हो जाती है तो नमक झाड़ू और ये चढ़ा के जाते हैं, इससे तो वो होता है ना मस्से वस्से हो रखे। हाँ जी मस्से वो भी ठीक हो जाते हैं, मस्से भी ठीक, कोई भी हो जैसे, अच्छा हाँ कोई एलर्जी हो कुछ हो रो वो ठीक हो जाए। इन हमारी प्यारी बहन जी का पीर जो था ना पीर बाबा के बगल में, इनको बड़ी जानकारी दी, सारी जानकारी हमारे साथ साझा करती है, बार बार धन्यवाद करते हैं इनका। यहाँ पीर बाबा को राम राम करके हम लोग निकल लेते हैं। गेट के अंदर से बीड़ी से झांकी खुली छोड़ रखी थी, सारे मानस लेकर ला रहे थे, मखा बेबे तू जरूर फंसेगी इसमें, हम तो सारे ठीक है बेबे भी लेकर जाती है। अब हमारे प्रेम भाई स्कूटी भी लेके आए थे, गाड़ी भी लेके आए थे, जो भीड़ भाड़ की जगह होगी वहां स्कूटी लेके चले जाना, मखा ठीक है एक बार ट्राई मार के देखता हूँ स्कूटी ले लेते प्रेम भाई से, मखा आप आ जाओ गाड़ी में हम चलना इसमें बैठ के। बाकी मखा प्रेम भाई स्कूटी पे चलना तो ठीक है पर न्यू तो बता दो जाना कहाँ है। प्रेम भाई ने बता दिया अभी आगे जाके लेफ्ट मुड़ जाना जी, खाटू श्याम जी का मंदिर आएगा, न्यू की न्यू कॉपी बना रखी भाई, वाह की वाह प्रतिमा, वाह की वाह सुंदरता है बताया। उड़े रास्ते पे चलते चलते पहुंच जाते खाटू श्याम जी के मंदिर में, जाके दर्शन करते हैं मत्था टेकते, उसके बाद पंडित जी महाराज हमारा झाड़ा लगाते जी मोर के चंदो से। झाड़ा लगवाने के बाद हम लोग मंदिर की
की परिक्रमा देते हैं, वापस आते हैं, पंडित जी महाराज प्रसाद देते हैं जी, बिस्कुट देते हैं, पेड़े देते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। खाटू श्याम जी के मंदिर में मत्था टेक के जैसे ही बाहर निकलते हैं, प्रेम भाई जी में लेके चले जाते हैं रामलीला मैदान में। बोला भाइयों इतना पुराना आड़ है, 100 का लगभग रामलीला होली पिछले 100 साल लगातार चल रहा है। यहाँ से निकाल के भाई जी हमारे को लेके चले जाते हैं बहुत ही आलिशान माता रानी के मंदिर में। पंडित जी महाराज कुवाड़ बंद करके निकल रहे थे, हम लोग बार बार रिक्वेस्ट करते हैं मखा जी दूर से आए दर्शन कर लेने दो। पंडित जी महाराज मान जाते हैं जी, दर्शन करते हैं अंदर जाके। डालो इसमें इसका क्या है, पाचा का नाम का हाँ बता देंगे ना भाई, पाचा का नाम का डाल दिया भी देखियो कदनू को। और इस तरह के जो ना प्रोग्राम जो बना रखे हैं वहाँ जरूर डालने चाहिए जी, इसी से जो साफ सफाई मेंटेन रहती है यहाँ की। देखा हो तो वो शुरू में भी था जो अपन देखा था, स्टार्ट में भी था। फिर ये सारे में डालना है 20-20 से, टोल टैक्स नहीं होता, पांचों के डल गए फिर जैसे टोल टैक्स भी होता है, आगे चलते जाओ डालते जाओ। नमस्कार जी, ये 20-20 रुपए का टोल टैक्स लगा रखा है? नहीं टोल टैक्स नहीं है जी, हाँ। ये श्रद्धा अनुसार। नहीं आपने लिख रखा जी जरूर डालें, श्रद्धा की बात नहीं लिखी इसमें हमने, ऐसा है भाऊजी हमने लिखा है दान पत्र 20 रुपए का नोट जरूर डालें। अब इसमें श्रद्धा बताओ कहाँ है? ये तो टोल टैक्स मांगे आपने, हाथ दे दिया। रुक भाई, भाऊजी ऐसा है ये दान पे ही शिवपुरी चल रही है, चल रही है, ये नहीं है 20 रुपए दान के है। अगर अगर श्रद्धा ना हो तो ना दो, इसमें ये बात लिखो जी श्रद्धा ना हो तो ना दो, जरूर हटाओ इसमें से। रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट थप्पड़ दिखाए करने लग रहे हो आप, बंदूक अगले का दर्दी ले भाई दर्दी दे तुम, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर भाइयों ने एक बहुत ही प्यारा शिवजी महाराज का मंदिर बना रखा था, अंदर जाके दिल ही खुश हो जाता है, इतनी साफ सफाई थी, इतनी हरियाली थी। एक बहुत ही बढ़िया चीज यहाँ देखने को मिलती है, ये पक्षियों का रैन बसेरा। पूरे हरियाणा में घूमने के बाद भाई पक्षियों का रैन बसेरा मैंने यही फतियाबाद में ही देखा। मैं कहा कैसी सोच है, देख लो भाइयों की कितने धार्मिक प्रवृत्ति के लोग है यहाँ के, बहुत सारे पक्षी इस रैन बसेरे में रहते थे। लोग आते थे बाहर से, जो भी घूमने फिरने आता था वो नीचे दाने डाल देता था, यही खाने को मिल जाता है, यही रहने को मिल जाता है, पक्षियों की मौज हो रही थी यहीं पे मिल जाते हैं। कुछ बहुत ही प्यारे फ्लोर भाइयों के साथ आए, लोग करता हूँ फोटो खिंचवाता हूँ, उसके बाद मिलते हैं जी शिवजी महाराज के ऊपर। बहुत ही प्यारा फाउंटेन लगा हुआ। अच्छा जाली किस लिए है ये? जाली जी ए, कोई गिरे ना जी। अच्छा बच्चा बच्चा गिर जाता है, चल भाई जल्दी गिर के दिखा, कहते जाली में कहीं पड़ जा, आजा मन कूद सकता है, मन आजा नहीं लगाना जंप। एक नंबर का सिस्टम कर रखा है भाइयों, अपने घरों में भी इंस्टॉल जरूर करना है। कई बार ऐसे केसेस हुए हैं छोटे बच्चे जो है ना खेलते खेलते इसके अंदर चले गए और खेल खेल में जो है ना गड़बड़ बन गई। अच्छा सिस्टम है जी, बहुत बढ़िया चीज दिखाई, थैंक यू। इतना में अपना साजन पायलट का ही फोन आ जाता है, बोला जी बस में बैठे हूँ, बस अड्डे पुत्रूंगा, बताओ दूर वाले पुत्रों को लो वाले पुत्रों मखा भी नजदीक वाला बस अड्डे पुतले पहुंच जाते हैं। गाड़ी लेके साजन पायलट को बिठा लेते, समय हो गया था 12 बजे का, और 12 बजे का समय हमने रखा था आज फतियाबाद में मीटअप के लिए श्री राम सेवा समिति के आगे। मखा भाई साजन गाड़ी में चौथा घर लाले पूछा दे मैंने 12 दे पहले पहले, और साजन भी भाई 3-4 दिन की छुट्टी काट के एनर्जी में जमा भराया पड़ा था, रेस वाले पे पंजा दाब देता भी गेयर ला देता, चौथा हवाई जहाज बना दे गाड़ी के पूछा दे हमने मीटिंग स्थल पे। अरे बहुत गणे बाण भाई देखते पाए भाई, गुड़ी आ रही थी बैंक में तो छुट्टी लेके, बोला 1 घंटे की छुट्टी लाई हूँ भाई साहब मेरा केक काट दो, केक लेके आ रही थी। मैं कहा कोई ना बेबे सब तो पहले तेरा ही काम करांगे। इस मीटअप में जितने भी छोटे बालकार थे भाई सारे बालका ने इकट्ठे करता हूँ, मैं कहा सारे बालक चक्कू का हाथ ला लो उसके बाद केक काटियो। यो केक काट का मल गए हुए थे भाई, इतनी बालका ने यो केक खा भी नहीं लिया था, उससे पहले आ जाता हमारा बहुत ही प्यारा भाई वीरेंद्र दमन गाम से एक केक और लेके। भाई का बार बार धन्यवाद करता हूँ, दूसरा केक फिर काटते सारे बालका ने लेके, सारे बालका ने केक खुआते, सारे मनसा ने केक खुआते, उसके बाद भी केक बजा है। और यो आड़ा आड़ा नहीं हरियाणा का लगभग हर एक जिले में न्यू होया है, जड़ा जड़ा केक काटा है, लोग केक काटना तो पसंद करा पर केक ना खाना पसंद नहीं करते, बिराने के कारण है। इस धर्मशाला में एक बहुत ही बढ़िया दीवार बना रखी थी, डिजाइन एक नंबर का बना रखा था, सारे भाई नाड़ो लेके पहुंच जाते हैं। मखा भाई ग्रुप फोटो खिंचवाए, पीछे दीवार सुतरी होगी। अब समय हो गया था 12:45 का, मीटअप को ओवर करते हैं, सभी भाई बहनों को हाथ जोड़ के भाई बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अपना कीमती समय देने के लिए और इतना अनमोल सने देने के लिए। यही मीटअप के अंदर एक बहुत ही प्यारे भाई आए हुए थे जिनकी पड़ोस में खाद बीज की दुकान थी, भाई साहब बोले जी मेरी दुकान पर चलना पड़ेगा, फिर तो हमने बेरा भी ना तो अपने तो रहे नहीं पहुंच जाते हैं भाई की दुकान पर। अड़ा लुगाई ने अपनी कई समस्या बता दी, बोला गमला में यह दिक्कत है, गमला में वह दिक्कत है, भाई ने दुआई भी दे दी, खाद भी दे दिया, नाल कर दिया, बार बार धन्यवाद देते हैं भाई का। आई मो चला था लंच का, मखा चलो जी लंच करने चलेंगे, भाइया ने बता दिया जी कालू राम का ढाबा है, एक नंबर का मंडी में पड़ोस में, पहुंच जाते हैं हम लोग भाई के ढाबे पे। भाई जी हमें खास बात सुनी आपकी, बोले वो 10 रुपए की दाल भी देते हैं, कोई भूखा आदमी चला दे 10 की गाल दो, 20 की 10 की। अच्छा फिर हमारा एक बार 10-10 की सारे आइटम गाल के दिखाए दो हमने, बाकी हरियाणा में भी दिखा देंगे। इतनी हरियाणा में ऐसे ढाबे बच रहे हैं जो जन सेवा के लिए पेट भरने के लिए भी काम कर रहे हैं। फतियाबाद के अनाज मंडी में आ रहे हैं कालू राम का स्पेशल ढाबा,
और 10 रुपए की दाल थामने खा के दिखावांगे। भाई जी ने ढाबे पर दो सेक्शन बना रखे, एक तो नीचे बैठ के खान का, एक ऊपर बैठ के खान का। बोला जी फैमिली वाले ऊपर चले जाओ, नीचे अपने जमींदार भाई खा ले, मैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जड़े कहोगे उड़ खा लेंगे। हम लोग 8-10 मानस आए थे भी रोटी खाने खातर, नीचे सारा आलठू क्या खड़ा था, कोई कुर्सी नहीं थी। बोला जी ऊपर जाना पड़ेगा, हम लोग पहुंच जाते हैं ऊपर। अरे इन भाइयों ने भी ऑर्डर देने खातर को ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, भाई सीधी थाली ऑर्डर कर दी। बोला थोड़े थोड़े सारे आइटम चेक हो जाएंगे। थाली के अंदर 3 तरह की सब्जियां थी, मेसी रोटी थी, प्लेन रोटी थी, चावल थे। सब कुछ खाने के बाद आपको मिलती है ठंडी खीर, बहुत ही बढ़िया स्वाद आ गया। बार बार धन्यवाद जी आप लोगों का। खाना खाने के बाद भी उत्तम खाना खिलाने के लिए भाइयों का धन्यवाद देकर जैसे ही निकले भाई, एक बहुत ही प्यारा फ्लोर मिल जाता है। बोला भाई साहब ओक्का पर रखा, दुकान पर चलना पड़ेगा। अभी पहुंच जाते हैं भाई के पास, ओक्का का एंजॉय लेते हैं। ओक्का का एंजॉय लेने लग रही थी, नाम आ जाता है एक भाई चाय लेके। मखा भाई साहब इधर रोटी खा के आए थे, क्यों खाम का दही का नाश करो। बोला भाई साहब आगे तो चाय का भी नाश होगा, मां भाई चाय का नाश नहीं होने दे, पी लेते हैं चाय। भाइयों के साथ चाय ओक्का पीने के बाद निकल लेते हैं। हम लोग पहुंच जाते हैं जी बिश्नोई मंदिर में। बहुत ही प्यारा मंदिर बना रखा था, बहुत ही आलिशान था। मंदिर में जाके मत्था टेकते हैं, मंदिर की परिक्रमा करते हैं, उसके बाद निकल लेते हैं। फिर मिल जाते हैं कुछ भाई। बोला भाई साहब मारा गल भी ओका पीना पड़ेगा, फिर हमने बेरा बेर ना तो अपना तो रहे नहीं, बैठ जाता हूँ भाइयों के साथ ओका पीता हूँ। अब हमारा प्लान उसी तालाब में दोबारा जाने का था जहाँ पे बहुत ही ज्यादा कछुए थे। कल कछुए निकल नहीं पाए, सिर्फ मुंडी मुंडी दिखे। आज भाइयों ने बताया कि दोपहर में चले जाओ, कुछ बाहर निकले दिखेंगे आपको। निकलने की तैयारी पकड़ते थे, एक बहुत ही प्यारे भाई बोला जी मेरी शॉप पर चलना पड़ेगा, मेरा सारा परिवार आपके व्लॉग देखता है, सारा परिवार वेट कर रहा है। हम लोग पहुंच जाते हैं भाई की दुकान पर। भाई ने केक पेस्ट्री की दुकान कर रखी थी। मां भाई जी बड़े दिन की इच्छा थी, मैंने केक बनाकर दिखाओ कैसे बनता है ये। आज साथ मुखा लुगाई सीख ले कि मैं केक क्या बनाना, कदे घरा भी बना दिया। अगर भाई ने बनाकर दिखा दिया, फटाफट एक लड़का लगा दिया, लग जाता है गोल गोल मेज थी उसके ऊपर घुमा घुमा कर सारी डिजाइनिंग करता है इस पे। मखा भाई साहब केक बनाना तो कोई आसान काम नहीं है, तो कसूती कलाकारी का काम है। जैसे आप ड्राइंग करते हैं उसी तरह इस पर ड्राइंग करनी पड़ती है। केक के तैयार होने के बाद भाई ने पैक करवा के मार दौर रखवाना चाहे। मखा भाई साहब मार दौर खराब हो जाएगा, क्यों खाम का नुकसान करो, आप पर रख लो। फिर भाई ने बताया जी मैंने एक और नया शोरूम कराया, वहां पे भी चल के आओ 2 मिनट। भाई जी के नए शोरूम पर जाके मैं सारे भाइयों की तरफ से भाई को शुभकामनाएं देता हूँ। तुझको बनाने में कर दी है इसने की खाली की जोरियां। वेरी गुड, ब्यूटीफुल, शाबाश भाई, बहुत ही अच्छे। इन बड़का ने कल सारी रात लगा के पूरा गाना तैयार करा था। पूरा गाना मैंने व्लॉग में तो घेरा नहीं, पर बड़का ने गाया एक नंबर का था। ई बाम चले गए थे फतियाबाद को, उस इलाके में जोड़ा बहुत तो गण हिरण थे, आड़ा दूर दूर तक तो हिरण हिरण थे। कसूती छलांग मारते हंड थे, नजदीक नहीं आने लग रहे थे, पर मारे हिरणों वाले इलाके के पास ही वो तालाब था भाई। कछुओं वाला चले जाते हैं भाई के पास दुकान में, जोड़ा पार्ले जी लेना था, पूरा पैकेट पार्ले जी का ले लिया। मखास तो सारे कछुआ ने बाहर बुलावांगे। ई बाम ने बेरा पटा भाई, कल हमारे साथ एक समस्या और थी, मारे दौर ताली बजाने वाले मानस बहुत गाढ़ थे, आवाज कम होने लग रही थी। आज मानस थे भी ताली बजाने लग रहे थे, गद्दा गदर कछुए बाहर निकलने लग रहे थे, सारे के सारे कछुए बाहर आ गए थे। अल तो हमने इन कछुए की नाश से नाश देखी थी, मोरे से देख ली थी, आंख देख ली थी, गर्दन देख ली थी। आज ये कछुए बाहर आए, आज दिखता है इनका पूरा शरीर। अड्डी ने बाहर खड़ी देख के पोस्टर लागे देख के अपने कुछ लोकल फॉलोअर भी आ जाते हैं, छोटे प्यारे बच्चे थे, बड़कों के साथ आयलो करता हूँ, बड़कों के साथ फोटो खिंचवाता हूँ, निकल देते हैं। बड़का ने बाय कर दी। अब अपने प्रेम भाई ने बताया, बोला जी फतियाबाद के सारे मोन्यूमेंट हो गया, बताओ क्या करना। मखा भाई जी हमने पार्क में ले चलो, और बहुत अर्जेंट काम बाकी रह रहा है। अच्छी ले लो, तो एक ही दो स्टेट रह डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट है। बांट देखे लोगे, बचा के रखियो, बचा के रखा है और खतर भी। आ कोई नहीं, भावना नहीं। करनी है जी सब ने, सभी प्यारे रांडे भाइयों का, कुआरे भाई, कुआरे सभी कुआरे भाइयों का भला हो जाए। हां भला हो जाए भाई, जितना थोड़ा होए जागा ले। तीन तीन जनी लाग ली है इस बार, पावर पूरी है इसकी। फतियाबाद वाले खुशकिस्मत हैं, यहाँ पावरफुल मिला है। सूचना दे दियो भाई, ब्याह करा के हमारा ब्याह हो गया, तेरे मर्जी का कुछ भाई, सूचना दे दिया करो रे, हम निराजी हो जाएंगे, सारा ब्याह हो गया। पिया पार्क में खड़े होके हम लोग ये मिट्टी वाला पावन कर्म कर रहे थे, तभी आ जाते 3-4 बहुत ही प्यारे भाई। बोला भाई साहब चलो साथ में बैठ के चाय पीएंगे, कई सारी बात करने पहुंच जाते हम लोग चाय पीने के लिए एक रेस्टोरेंट में। ये भाई पैसे से तो पत्रकार थे, पर ये समाज सेवा के भी बहुत ही ज्यादा काम करते थे। इन्होंने एक सोसाइटी बना रखी है श्री श्याम वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से। यो के साथ बैठ के चाय पीता हूँ, भाइयों की बातें सुनता हूँ। मखा भाई सारे युवाओं को इतना ही परोपकारी होना चाहिए। अब हम पत्रकार भाइयों से आगे लेकर निकल लेते हैं, पहुंच जाते हैं सीधे सनाया के घर पे। आज का डिनर सनाया ने बनाना था, इसी ने प्रॉमिस कर रखा था। सनाया ने अपने घर में एक बहुत ही प्यारी बिल्ली पाल रखी थी, एक बड़ा एक कुत्ता पाल रखा था। मजा की बात यह थी, कुत्ता और बिल्ली दोनों में दोस्ती थी। प्यारी गुड़िया हमारे को लेके जाती है, दोनों मानसों से मिला के लाती है, कुत्ते से भी मिलाए, बिल्ली से भी मिलाए। दूसरी तरफ सनाया की मम्मी जुटी हुई थी डिनर तैयार करने में। आज हमारे को मिलने वाला था ब्रेड से बना हुआ हलवा। इस हलवा में कई तरह के तो ड्राई फ्रूट डाले गए थे, कितने काजू डाला गया, कितने बादाम डाला गया, कितने किशमिश डाला गया, ऊपर तक डाला गया दूध। इब हम सारे मानस बैठे बैठे बोर होने लग रहे थे, डिनर की वेट करने लग रहे थे। तभी सनाया ने बताया मेरे को बहुत ही बढ़िया डांस आता, मखा बेटी मजा आया, आ जाएगा घर।
हरियाणा भी गाना लगा दिया भाई, सनाया ने बहुत ही बढ़िया डांस करके दिखाया, डिनर हो गया था रेडी, सारे मानस बैठ के डिनर करते हैं। उसके बाद भाई चलने का समय आ गया था, मखा भाई जी जान का जी तो नहीं कर रहा पर जाना पड़ेगा। दोनों बड़का ने दो बहुत ही प्यारे प्यारे गिफ्ट भी मारते दिया, उसके बाद बाय कर देते हैं, निकल लेते हम लोग रेस्ट हाउस के लिए। और सिरसा वाले बाण भाइया ने एक बार फिर याद दिवा दियो कल अपना मीटअप है नेशनल कॉलेज के मेन गेट पे बस अड्डे के सामने। अरे सारे के आने की बाटर होगी भाई, इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। सारे बाण भाइया ना जीतराड़ भाई की राम राम।